ये शिव जी के दर्शन कर रही है बिल्ली, देख सकते हो। देखो कुछ नहीं, मंदिर के अंदर नहीं जा रही, चौखट पे बैठ के दर्शन कर रही है एकदम। ना ही देखो अंदर पुष्प है कि जाके खा रही हो कुछ कर रही हो, भक्त है। नहीं कैसे दोस्तों, आज मैं हूँ नासिक में काला राम जो टेम्पल है, जहाँ पे भगवान राम आपको काले दिखाई देंगे, है ना। तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन दर्शन नहीं करवा सकता मैं अंदर से क्योंकि बंद है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एनवायरमेंट है, लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान राम जो कि आपको काले यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप नासिक में आए तो यहाँ पे काला राम भगवान के दर्शन करने जरूर आए। सुनने में है ना, राम जी और काले, काला राम, तो ज़रूर से आना। और बहुत सुंदर जगह है, थोड़े से विजुअल्स दिखा देता हूँ, बट भगवान के दर्शन नहीं करवा सकते क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं आपको भगवान के जो ध्वज है, देखो कहा गया है कि आप दर्शन नहीं कर सकते, तो जो ऊपर ध्वज होता है ना उसके दर्शन कर लोगे तो भगवान के दर्शन करने के बराबर ही है, तो वो करवा देता हूँ आपको। तो एक बार दर्शन कर लो। तो ये ऊपर देख रहे हो, ये है ऊपर ध्वज। तो ये आप साक्षात हाथ जोड़िए क्योंकि भगवान के दर्शन करने मात्र ही है, तो आपने भगवान के दर्शन ही कर लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं महाराष्ट्र में क्या कर रहा हूँ है, महाराष्ट्र पुलिस तो पकड़ रही है भाई। ऐसी पावन धरती पे आके हमें महाराष्ट्र पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ पे बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, है ना। तो ऐसी धरती पे आके भगवान राम के जो कि काले रूप में है दर्शन करना सौभाग्य की बात। ये हिंदी, ये इंग्लिश, बाकी यहाँ की जो भाषा है मराठी, अगर आप मराठी जानते हो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं ना। देखो अभय मुद्रा में शरणागत वत्सल श्री भगवान रामचंद्र जी जैसे यहाँ समझा रहे हैं कि एक बार जो मेरी शरण में आकर चरण लीन होकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, ऐसे सेवक की सर्व प्राणी मात्राओं से रक्षा करने का वचन देता हूँ। मतलब भगवान राम यहाँ पे कह रहे हैं जो मेरे से यहाँ पे शरण, मतलब सबसे जरूरी चीज़ है शरणागत होता है तो उसकी रक्षा करता है भगवान, ठीक है। तो श्री प्रभु राम, लक्ष्मण एवं सीता ने गोदावरी के किनारे पर स्थित इसी पंचवटी में उनके 14 वर्षों के वनवास का समय बिताया। इस 14 वर्षों के वनवास की अवधि में 10 वर्ष के पश्चात करीबन 2.5 वर्ष श्री प्रभु रामचंद्र जी इसी परिसर में रहे हैं। तो दोस्तों, और नीचे की लाइन और पढ़ के, ये तीन मूर्तियाँ स्वयंभू हैं, अपने आप बनी हैं, समझ रहे हैं, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, अपने आप प्रकट हुई हैं, और काली रेत से बनी हुई है और श्यामवर्ण होने के कारण इसे काला राम कहा जाता है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के आदि गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी जी की इस मूर्ति पर अगाध श्रद्धा थी। श्री स्वामी समर्थ रामदास स्वामी टाकली में रहते हुए 12 वर्षों तक प्रतिदिन मंदिर आते और इसी मूर्ति की उपासना करते। तो समर्थ रामदास जी, जिनकी अपन ने बात की थी, बहुत श्रेष्ठ साधु हुए हैं, है ना। आपको बताया था कि आपने अगर लाइव में सुना हो कि भाई हनुमान जी को लाल पुष्प दिख रहे थे लेकिन वो सफ़ेद पुष्प थे। जब समर्थ रामदास जी कहते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि भाई हनुमान पुष्प तो सफ़ेद थे, अगर लाइव में सुना हो आपको पता होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे गोदावरी नदी के भी दर्शन करवाता हूँ, तो आइए बाहर चलें। देख रहे, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाहर का नासिक का ये काला राम मंदिर के बाहर का भी दर्शन कर लो। श्री राम उद्यान, सब देखो मराठी है ना, सब मराठी में बात करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, पता है, डाउन टू अर्थ मिलेंगे, सभ्यता से बात करने वाले मिलेंगे।
बट कुछ उन लोगों को छोड़ के जो सरकार में बैठ के यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, उन लोगों को छोड़ के। तो बहुत ही सुंदर जगह, आज मैंने कुर्ता पहना है तो वाइड एंगल नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और चलिए आपको गोदावरी के दर्शन करवाता हूँ। तो अब अपन जा रहे हैं गोदावरी नदी की तरफ, तो थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाता हूँ, है ना कैसा है। ये शिव जी के दर्शन कर रही है बिल्ली, देख सकते हो। देखो कुछ नहीं, मंदिर के अंदर नहीं जा रही, चौखट पे ही बैठ के दर्शन कर रही है एकदम। ना ही देखो अंदर पुष्प है कि जाके खा रही हो, कुछ कर रही हो, भक्त है। नहीं तो अपन जा रहे हैं गोदावरी की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा ढलान है, गोदावरी नदी नीचे उतर के है। अभी अपन ने कालाराम भगवान के दर्शन किए, शिव जी का जो मंदिर था वहाँ पे आपने देखा जो बिल्ली थी बड़ी भक्त थी। नहीं तो ऐसे कहाँ देखने को मिलता है, भारत में ही देखने को मिलेगा, भारत की पावन धरती पे मिलेगा। काले राम देखे, अब गोरे राम भी है यहाँ पे, हैं। तो ये गोरे राम मंदिर है, तो अब अपन आ चुके हैं गोदावरी नदी के तट पे, तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, चलिए देखें। तो दंडवत कर लो, नासिक की पावन धरती पे दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है आपको। नहीं तो कहाँ आप जहाँ पे भी बैठे वहाँ से दर्शन कर पाते। नहीं कितना सुंदर है देखो, पहले दंडवत करेंगे है ना, उसके बाद आचमन करेंगे। तो अब गोदावरी मैया से अपन आचमन कर लेते हैं। तो आचमन कैसे करेंगे बता देता हूँ। तो ये जरूर से कर लेना, और कभी भी आओ तो पैर मत डालना, ठीक है। पैर डालने की लोग गलती करते हैं, गलती मत करना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा शीश पे धारण करना और दंडवत कर देना, मतलब धोख जो देते हैं वो दे देना, ठीक है। तो एक बार दर्शन करो अच्छे से। तो दोस्तों मैं दर्शन के लिए आया था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन कराऊं, क्योंकि भैया अपन दिल से दिल तक फैमिली हैं, तो आपको भी मैंने दर्शन करवाना उचित समझा। और माइक नहीं लगा रखा मैंने एक्सटर्नल, तो हो सकता है आवाज़ का थोड़ा इशू रहा हो, बट आशा करता हूँ दर्शन आपको अच्छे रहे होंगे। और तो क्या बोले, इस लाइव को लाइव बोल रहा हूँ, इस वीडियो को अब एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको काला राम के दर्शन कराए थे, और एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाने वाला हूँ। बहुत से लोग डरते हैं भूत प्रेतों से, तो एक बस मस्त चीज़ दिखाई, जो आप कह रहे थे ना इल्यूमिनाटी, ये सब क्या होता है भैया, देख लो हमारे देश में भी बैठे हैं ऐसे राक्षस बुद्धि के लोग जो टोटके तंत्र विद्या करते हैं। तो ये टोटके किए हुए हैं किसी को मारने के लिए, और पेड़ पर लटका रखा है, देख लिया, सोचा आपको दिखा दूँ, आप भी देख लो, है ना।
बाकी ऐसी चीजों के ज्यादा पास जाना नहीं चाहिए, है ना? कब आप पे आ जाए पता ही नहीं लगेगा। बट जो भगवान को पकड़ लिया उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो बट यहाँ पे आप समझ रहे हो टोटके वोटके भी करने वाले लोग बैठे हैं, है ना? तंत्र विद्या है, तो इल्यूमिनाटी जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब ये सब चीजें करते हैं। बाकी इल्यूमिनाटी तो एक शब्द है, बाकी यही है राक्षस प्रवृत्ति के, गंदगी के जो लोग होते हैं उनकी ये सारी चीज होती है।